हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरा पूरा जिम का शेड्यूल जो हम लोग घर पे कर रहे हैं, पूरा जिम के तरीके से जैसे लोग जिम में करते हैं वो आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आज वेडनेसडे, जहाँ पे हम लोग ने मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बाइसेप्स किया, आज वेडनेसडे हम लोग शोल्डर करेंगे। जैसा कि जिम का शेड्यूल होता है लोगों का, तो जो लोग मेरे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको शॉर्ट में बता दूं कि हम पूरा जिम का रूटीन फॉलो कर रहे हैं घर पे सिर्फ दो डंबल्स के साथ। तो आप मेरे पहले के वीडियोस जो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा फॉलो करते हुए आ सकते हैं। और पूरा बिगनिंग से, बिगनर्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा आपको मिलने वाला है शेड्यूल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे के लिए, जहाँ पे हम शोल्डर्स का एक्सरसाइज करेंगे। तो क्विकली मैं आपको वॉक थ्रू करा दूँ कि हम लोग जिम रूटीन के तरीके से क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज पूरा, तो हेड टू टो, पूरा सर से लेके पाँव तक पूरा वार्म अप एक्सरसाइज शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, वो डेली करते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ दो तीन एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो रेगुलरली हम लोग करते हैं डेली। उसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर डे के हिसाब से हम शोल्डर करने वाले हैं, तो उसका शोल्डर का पूरा रूटीन। और फिर लास्ट में हम अपना फोर आर्म्स का एक्सरसाइज डेली करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सीधे वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। हेड रोल 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वार्म अप कर रहे हैं उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कभी भी इंजरी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, और कोई भी मसल इंजरी या फिर आपका पेन काफ़ी कम हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा आप वीडियो के साथ साथ फॉलो करिए मेरे साथ, और आपको पूरा जिम का फील आएगा। मिरर के सामने करिए, म्यूजिक लगा लीजिए, पूरा आपको फील आने वाला है जिम का। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ दो डंबल का यूज़ हो रहा है, तो आप दो डंबल बहुत इजीली आप मार्केट से ला सकते हैं, आपका बहुत कम खर्चा होगा उसमें। पूरा मेरा वीडियो के साथ फॉलो करते जाइए और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। पूरा वार्म अप हम पूरा सर से लेके पांव तक हेड टू टो पूरा वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पूरा हमारा सर से पांव तक वार्म अप। इसमें आपको गैप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बीच में एक्सरसाइज में रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई वेट नहीं आप उठा रहे हैं।
और सब आपको 10-10 काउंट्स करना है। हो सकता है मैंने कम ज़्यादा कर दिया हो बीच में बात करने के टाइम पे, आप 10-10 काउंट्स पूरा करिए। और जितने भी आप घुमाने वाले एक्सरसाइज हैं, जो भी रोटेशन वाले हैं, वो सब आपको एक साइड फिर दूसरा साइड रिवर्स करना है, बाकी सारे 10 काउंट्स करिए। इसके बाद रेस्ट आपका थोड़ा सा वार्मअप के बाद, फिर हमारा जो है रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम पुशअप्स करते हैं 3 सेट, उसके बाद हम स्क्वाट्स करते हैं 3 सेट, और एक ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करते हैं बेंच या फिर बेड के हेल्प से या फिर टेबल के हेल्प से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पुशअप से। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। वार्म अप एक्सरसाइज के अलावा हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सब हम 12 रेपिटेशंस करेंगे 3 सेट। 12 रेपिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई लोग 10 रेपिटेशंस करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ करते हैं तो मैक्सिमम 6-7 जाता है, बट हमें फोकस रखना है कि 12 रेपिटेशंस हम करें ही करें। अगर आप कुछ जैसे अभी आपने पुशअप्स किया तो आप उसमें कोई वेट नहीं ले रहे हैं, पूरा कोशिश करिए 12 को जो आप वेट के साथ कर रहे हैं डंबल के साथ तो उतना ही एकदम एक्यूरेट वेट उतना रखिए जितना आप 12 रेपिटेशंस तक ले जा पाए। ऐसा नहीं कि आप इतना हल्का रख लिए कि आप 50 20 15 कर सकते हैं लेकिन आप 12 कर रहे हैं, आप ऐसा रखिए कि आप 10 के बाद आप 12 तक ले जा पा रहे हैं। तो 12 रेपिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पुशअप्स का 3 सेट करेंगे, मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, 3 और करिए रेस्ट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 रेपिटेशंस 2 सेट आपका, आपको यहाँ पे 1 सेट के बाद रेस्ट, फिर आप यहाँ पे 3rd सेट करिए। मैं 3rd सेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप रेस्ट लेके 3rd सेट करिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद मैं स्विच करता हूँ स्क्वाट्स पे। तो स्क्वाट्स में आपको, स्क्वाट्स आपको पता होगा, आपको हाफ बैठने के स्टाइल में एक्सरसाइज होता है, आप वीडियो के साथ पूरा कॉपी कर सकते हैं। वन, इसमें बेसिकली आप हिप से पीछे जाते हैं और बैक पूरा स्ट्रेट होता है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। स्क्वाट्स का 1 सेट हुआ 12 रेपिटेशंस, आप टोटल 3 सेट करेंगे, मैं एक और अभी करूँगा, आप उसके बाद वीडियो पॉज करके आप 3 सेट करिए 30 सेकेंड्स के रेस्ट के साथ हर सेट के बीच में। सेकेंड सेट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सो देट हम लोग वीडियो को शॉर्ट रख पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 सेट हुआ स्क्वाट्स का, 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स का रेस्ट, उसके बाद आप 1 सेट और करिए। तो हमने पुशअप्स कर लिया, स्क्वाट्स कर लिया, और एक ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज जिसके लिए मैं अपने बेड का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, आपको मैं वहीं पे बताता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स ये 3rd एक्सरसाइज जहाँ पे आपको मैं बेड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप बेड ले लीजिए या फिर आपका कोई कम हाइट का स्टूल हो, चेयर हो, टेबल हो, कुछ भी आपको चलेगा।
तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने हिप के एकदम बगल में दोनों हाथ को रखना है स्ट्रेट, पैर आगे आपको ले जाना है, एकदम पैर ऐसे सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा टेटेड रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हुआ इस एक्सरसाइज का एक सेट। आप 3 सेट करेंगे, मैं आपको एक और सेट करके दिखाऊंगा 30 सेकेंड्स के रेस्ट के साथ। आप वीडियो पॉज करके और एक सेट करेंगे 3 सेट, उसके बाद हम अपना रेगुलर शोल्डर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं एक सेट और करता हूँ, आप रेस्ट और ले सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे दिखाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे 2 सेट कंप्लीट हुआ। आप रेस्ट लीजिए, 1 सेट और करिए, उसके बाद हम अपना रेगुलर शोल्डर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शोल्डर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम 4 एक्सरसाइजेस करेंगे, हर एक्सरसाइज का 3 सेट, 12 रिपीटेशंस। तो जो सबसे, और आपको पता है हम लोग सिर्फ डंबल यूज़ कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज आता है उसमें आपको दोनों डंबल्स को आपको शोल्डर के पास रखना है। आपको थोड़ा पीछे से दिखा दूँ, शोल्डर के पास रखना है, उसके बाद आपको पूरा ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे। ये आपको 12 रिपीटेशंस करने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये होता है आपका एक सेट एक एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर मैं आपको 3 3 सेट पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ वर्कआउट, तो हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ फॉलो करके अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट करेंगे और बॉडी में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए मैं सेकेंड सेट करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सो दैट आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से करिए रेस्ट लेके। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 2 सेट कंप्लीट होता है। आप लोग को 30 सेकेंड 40 सेकेंड रेस्ट लीजिए, और मैं आपको अगले वीडियोस में आपको एब्स का बिगनर लेवल का वर्कआउट दूंगा, जहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट निकला हुआ है, आपको पहले एब्डोमिनल फैट आपको कम करना है, तो आप पूरा बिगनर्स वाले से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो एक्सरसाइजेज होती है वो डायरेक्टली एब्स पे ना करके आपको जो कार्डियो होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो कार्डियो लेवल से स्टार्ट करेंगे पूरा, और उसमें भी एडवांस लेवल तक जाएंगे। बहुत सारे लोग एब्स की एक्सरसाइज सिर्फ क्रंचेस करते हैं बहुत सारे टाइप के, बट मैं आपको वो एक्सरसाइजेस दूंगा जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको डंबल के साथ एब्स का एक्सरसाइज, और वो भी आपको ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे आपको फर्क दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि आप डंबल्स के साथ एब्स कर रहे हैं, यानी कि आप वेट ऐड कर रहे हैं जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं वो, लेकिन आपको एडवांस लेवल पे मिलेगा एब्स का। पहले आप बिगनिंग से बिगनर्स वाला करिए, फिर आप इंटरमीडिएट करिए, तब आपको वो स्विच करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग 3rd सेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
तो ये इस एक्सरसाइज का आपका 3 सेट पूरा होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 30 सेकेंड 40 सेकेंड के रेस्ट के साथ, मैं आपको अभी आप जो इंटरमीडिएट लेवल पे 3-3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, सॉरी 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं 3 सेट के साथ, आप इसको 15 दिन तक करिए, उसके बाद आप 4 सेट्स लगाइए हर एक्सरसाइज का, उसके बाद आप 1 महीने इसको पूरा करिए, पहले 3 सेट 15 दिन, फिर 15 दिन 4 सेट्स, उसके बाद आप पूरा 1 मंथ हो जाएगा, फिर आप एडवांस वाले में स्विच करिए जहाँ पे आपको 4 एक्सरसाइज की जगह आपको 6 एक्सरसाइज मिलेगा, सब डंबल के साथ रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 2 महीने बाद। मैं खुद अभी आपको टी शर्ट्स और इसमें आपको दिख रहा हूँ, मैं खुद आपको 2 महीने बाद अपना बॉडी चेंज आपको दिखाऊंगा। तो जो अगला एक्सरसाइज है उसमें आपको, अभी हमने पहले एक्सरसाइज में ऐसे होल्ड किया था, अब हम रिवर्स में होल्ड करेंगे सामने की तरफ, ऐसा होल्ड करना है, उसके बाद आपको ऐसा घुमा के हाथ ओपन करते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर घुमा के हाथ नीचे ला के बंद करना है, सेम घुमा के ऊपर लेके जाना है, वापस क्लोज करते हुए घुमा के नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये वो एक सेट। 24 इसलिए हमने किया क्योंकि हमको दोनों अलग अलग हैंड पे 12 रेपिटेशन देना है, इस हैंड पे 12, इस हैंड पे 12, तो हमारे 24 काउंट पे एक सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, 40 सेकंड्स का, बीच में आप अगर पानी पी रहे हैं तो बहुत कम, बहुत थोड़ा, एक घूंट से ज़्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, पेट में आपको थोड़ा सा दर्द पता चलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए बहुत कम पानी पीजिए। सेकेंड सेट आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये हमारे यहाँ पे दूसरा सेट कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पूरा शोल्डर वर्कआउट जो हमारा वेडनेसडे का दिन है, उसके बाद हम पूरा 4 आर्म्स का एक्सरसाइज भी करेंगे जो हम डेली करते हैं। तो यहाँ हमारा एक तरीके का पूरा जिम शेड्यूल ऐसा बनता है, जहाँ पे आप वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया पे करते हैं, और फिर 4 आर्म्स पे करके आप अपना डे क्लोज कर सकते हैं। और एप्स जो आप, अगर आप एप्स बिगनर वाला स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट वाला कर रहे हो, तो वो भी आपको अपने पूरे एक दिन के शेड्यूल में आपको उसको ऐड करना है, वो सेपरेट वीडियो है, बट आप डेली उसको ऐड करिए आफ्टर वर्कआउट, पूरा वर्कआउट जब आप कर ले रहे हैं उसके बाद आपको एप्स का एक्सरसाइज करना है। तो ये हमारा 3rd सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। आपका सेकेंड एक्सरसाइज का तीन सेट कंप्लीट होता है, इसके बाद आपका रेस्ट थोड़ी देर 40 सेकेंड 50 सेकेंड्स, उसके बाद आपका जो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होता है वो आपको अगेन सिंगल हैंड करना होगा। उसमें बेसिकली मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। आपको दोनों डंबल आपको सामने की तरफ होल्ड करना है, उसके बाद आप शोल्डर हाइट तक लेके जाएंगे अपना हाथ, और शोल्डर को ऊपर उठाते हुए हाथ नीचे लाएंगे। इसको शोल्डर को मतलब आपको करना है कि जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो इसको ऐसा पंप ऊपर की तरफ पंप करके आपको हाथ नीचे लाना है। आप हाथ लेके गए पंप करके नीचे लाए, इसको ऐसा नीचे लाए। अगर आप साइड से देखिए ये मतलब आप इसको ऊपर की तरफ पूरा ऐसा करके आप एक राउंड शेप में क्लोज कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये आपको हाथ पूरा एकदम स्ट्रेट नहीं ले जाना, आपको थोड़ा सा ये एल्बो से आपका टर्न रहेगा। नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। ऑन द काउंट ऑफ 24 हमारा 12 रेपिटेशंस इस शोल्डर पे 12 रेपिटेशन इस शोल्डर पे कंप्लीट होता है। तो आपका ये मेनली फोकस होना चाहिए कि आप इसको ऊपर ला रहे हैं। तो हमारा एक्सरसाइज क्या है कि हम वेट को यहाँ तक ले जाते हैं, फिर जब इसको नीचे लाते हैं तो ये पोर्शन आपका ऊपर होना होता है। उसके लिए हम उसको और थोड़ा सा पुश करके ऊपर करते हैं। तो ये आपका एक साइड कंप्लीट हुआ। अब आपका अगेन सेकंड साइड डंबल सामने की तरफ, और याद रहे हल्का सा हाथ टिल्ट रहेगा, पूरा एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा जब आप सामने लेके जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। आपको इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा पूरा एक्सरसाइज करने के बाद। फिर थोड़ी देर डाउन द लाइन आप 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको हल्का सा कम लगने लगता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब आप करते हैं तो इंस्टेंटली आपके मसल्स को बहुत सारा एक वेट की वजह से पंप मिलता है, तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। बट उसके बाद आपका डाइट जो है वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आपके मसल्स में जाके आपका वो मसल को ग्रोथ के लिए मदद करता है। इसलिए लोग प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन शेक आपका वे प्रोटीन वगैरह वगैरह। बट मैं वे प्रोटीन वगैरह को मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ, तो मैं बेसिकली प्रोटीन डाइट पर फॉलो करता हूँ। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन वगैरह, और आप आराम से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि आपको प्रोटीन किस डाइट में कितना मिल सकता है।
मैं बेसिकली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा नॉनवेज पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अदर सोर्सेज लाइक आपका जो स्प्राउट्स हो गया, मूंग की दाल, चना और अलग अलग तरीके के जो प्रोटीन सोर्स वाले हैं, मैं वो इंटेक करता हूँ। तो आपका दो सेट हो गया, अब हमारा थर्ड सेट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। तो यहाँ पे आपका तीन एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पहला आपने डंबल होल्ड अप किए, दूसरा आपने रोटेट करते हुए ऊपर, रोटेट करते हुए नीचे, ये आपका दो एक्सरसाइज हुआ। तीसरा एक्सरसाइज सामने से आप अपना शोल्डर पंप करते हो ऊपर, तीन एक्सरसाइज। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो आपका बटरफ्लाई स्टाइल बोल सकते हैं आप, जिसमें कि आपको दोनों डंबल होल्ड करना है और अगेन आपका हाथ पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपका टिल्टेड रहेगा, थोड़ा सा। तो आपका एक्सरसाइज जो है वो हाथ टिल्ट करके शोल्डर हाइट तक लेके जाना है, फिर नीचे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। यहाँ पे आपका एक सेट कंप्लीट होता है। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा आपको बॉडी भी थोड़ा सा आगे की तरफ रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, पूरा स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा सा, तो आप इजीली कर पाएंगे ये एक्सरसाइज। और जो आपने थर्ड वाला किया, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके शोल्डर्स के लिए। ये बेसिकली आपका इस पोर्शन को ऊपर करने के लिए काम आता है, और जो बाकी आप ये वाला किए और आप ये वाला किए, ये बेसिकली इस पोर्शन पे इफेक्ट लाता है। तो इसका सेकंड सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ये हुआ आपका दो सेट। ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा और आपको इंस्टेंट यहाँ पे शोल्डर जो ये वाला पोर्शन होता है, आपको इंस्टेंट हल्का सा मसल पेन फील होगा, जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपका सही जगह पे सही फोकस ट्रेन हो रहा है बॉडी पार्ट। और फ्रेंड्स याद रहे, जब भी आप रेस्ट लेते हैं किसी भी एक्सरसाइज के लिए, अगर आप चेस्ट का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस जो आप लेट के कर रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जैसा भी आप कर रहे हो, जो आपका बीच का रेस्ट होता है वो आप सिर्फ बैठे बैठे रेस्ट नहीं लेंगे, लेटे लेटे नहीं लेंगे, आपका रेस्ट जो है वो खड़े होके टहलते हुए होना चाहिए। आपका रेस्ट बिल्कुल बैठा हुआ या फिर लेटा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देता है, क्योंकि आपका जो बॉडी पे आपने ट्रेन करके एक्सरसाइज किया है जिस भी पार्ट के लिए, वो लेटे रह गए बैठे रह गए तो वो न्यूट्रलाइज तरीके से हो सकता है। तो इसलिए आपको हल्का सा हिलते डुलते टहलते हुए आपको रेस्ट लेना है।
थर्ड सेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो ये आपका तीन सेट खत्म होता है। तो आपने टोटल फोर एक्सरसाइजेज आपने कर लिया, जिसमें कि पहला एक्सरसाइज आपने ये किया, दूसरा एक्सरसाइज आपने ये किया, तीसरा एक्सरसाइज आपने ये किया और फोर्थ एक्सरसाइज आपने बटरफ्लाई किया। तो आपका फोर एक्सरसाइज थ्री थ्री सेट्स आपने 12 रेपिटेशंस का किया। अब इसके बाद आप रेस्ट लीजिए, एक आध गुड सेट पानी पीजिए। इसके बाद हम फोर आर्म्स पे आएंगे। आप देख सकते हैं फोर आर्म्स, जिसमें कि आपका दो पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन और एक आउटर पोर्शन। तो हम दोनों के लिए ट्रेन करेंगे। उसके लिए आपको एक बहुत छोटा स्टूल या चेयर का ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको अपना दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक्स्ट्रा डंबल प्लेट्स हैं, जो कि मैं जब मेरे को ये डंबल 4 kg का एक डंबल है मेरा, वो अगर मुझे थोड़ा सा लाइट लगेगा जब एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद, तब मैं एक्स्ट्रा प्लेटें डाउन कर सकूँगा। इसके लिए मैंने पहले से लेकर रखा है। तो मैंने उसी को एक अपना छोटा स्टूल बना लिया है फोर आर्म्स एक्सरसाइज के लिए। तो बेसिकली उसमें आपको क्या करना है, जो पहले वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, बट मैं ये क्विकली आपको बता देता हूँ कि आपको बैठना है स्टूल पे, कम हाइट का होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना दोनों हाथ, आपका एल्बो से लेकर रिस्ट तक का दोनों हाथ का पूरा पूरा पोर्शन आपका पैर पे सपोर्ट रहेगा और पाँव आपके ऊपर की तरफ ओपन। और अगर आपको आपके पास ये वाला डंबल है जिसमें आप दोनों साइड से होल्ड कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो है दोनों तरफ से होल्ड करके आपको अपने रिस्ट को केवल ऊपर नीचे रोटेट कराना है, जितना नीचे तक जा सकता है और जितना ऊपर तक आपको ये रोटेट कराना है। और आपको इंस्टेंट आपको पता चलेगा कि आपके फोर आर्म्स पे कहाँ पे ट्रेन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रहे कि ये आपको तब तक करना है जब तक आप पूरा एक बार कर पा रहे हैं। इसमें कोई 12 रेपिटेशंस या 10 रेपिटेशंस 20 से कोई मतलब नहीं, आपको ये तब तक करना है जब तक आप कर पा रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसा डंबल होल्ड करने के लिए नहीं है, तो आप दो डंबल लीजिए अपना जो भी आपके पास है, और उसका थोड़ा सा वेट आपका अगर उतना है कि आप एक एक हाथ पे ले पा रहे हैं, तो आप दोनों वापस डंबल होल्ड करिए ऊपर की तरफ, हाथ दोनों सेम पोजीशन, पूरा पूरा आपका एल्बो से लेके रिस्ट तक का पोर्शन पूरा पैर पे सपोर्ट, और आपको ये रोटेट करना है ऊपर नीचे। और याद रखिए आपको तब तक करना है जब तक आप कर पा रहे हैं। अगर आप 50 तक कर पा रहे हैं, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहिए जब तक आप कर पा रहे हैं। आपको खुद एक टाइम आएगा आपको लगेगा बस आप छोड़ना है, तो आपको उस टाइम पे छोड़ देना है। और आपको इंस्टेंट आपको दिखाई देगा कि आपका फोर आर्म आपको फील होगा और दिखाई भी देगा कि फोर आर्म का मसल आपका ट्रेन हो रहा है। मैं थोड़ा जल्दी क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक सेट होता है जब तक आप कर पा रहे हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 10-20 seconds, आप 30-40 seconds तक भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन आपको इंस्टेंट फील देते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इसको ट्रेन किया है। तो आपको रेस्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा। इसके बाद आप दोबारा करिए। मैं दोनों डंबल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंगल डंबल अगर मैं करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लाइट लगता है, इसलिए मैं दोनों डंबल के साथ कर रहा हूँ। आगे दूसरा सेट सेम पोजीशन तब तक करना है, दूसरा सेट भी जब तक आप कर पा रहे हैं। और जितनी देर आपने पहला किया था उससे आप कम कर पाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने फोर आर्म्स के मसल्स को एक बार पूरा आपने ट्रेन कर चुका है, इसलिए आप इस बार थोड़ा सा कम कर पाएंगे रेपिटेशंस। तो यहाँ पे ये दो सेट होता है। आप तीन सेट के लिए रेस्ट लेके, मैं आपको दो ही सेट दिखा रहा हूँ।
इसके बाद जो ये आपने ऊपर की तरफ किया या आपने इनर पोर्शन के लिए किया, अब हम आउटर पोर्शन के लिए करेंगे। सेम कुछ नहीं है, अभी आप पाम ऊपर की तरफ किए थे, इस बार हम क्लोज डाउन साइड पाम रख के ऊपर नीचे रोटेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक डबल से दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको इसको हाथ का पोजीशन सेम, पूरा आपका एल्बो से लेके रिस्ट तक आपका पैर पे पूरा सपोर्ट रहेगा हाथ। उसके बाद आपको अपने रिस्ट को ऊपर नीचे करना है। इसमें भी आप देख पाएंगे कि आपका कहाँ पे ट्रेन हो रहा है एग्जैक्टली, आपको अपना हैंड पे मसल दिखाई देगा ट्रेन होते हुए। ये भी आपको तब तक करना है जब तक आप कर पा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप फोरआर्म का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको इंस्टेंट आपको बहुत हैवी लगेगा फोरआर्म, आपको लगेगा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर आपका हाथ अभी कुछ आप हाथ से कुछ कर नहीं पा रहे, वो आपको हार्डली 5 to 10 minutes लगेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और जो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिर जिनको बहुत मन है अपनी बॉडी बनाने का, उनको वो जो पेन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहूँगा मुझे वो पेन बहुत पसंद है, जो मुझे जिम में या फिर घर पे जो एक्सरसाइज करता हूँ मैं बॉडी के लिए, उसके बाद जो पेन होता है वो मुझे सीरियसली बहुत पसंद आता है। अगेन दूसरा सेट रिवर्स डायरेक्शन में, तब तक करना है जब तक आप कर पा रहे हैं, उसको एक सेट आप काउंट करेंगे। और ये रिवर्स वाले में आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सामने वाले में भी आपने इतना ट्रेन किया है कि आपके फोर आर्म्स में आपको थोड़ा सा हैवी पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डे क्लोज होता है वेडनेसडे, जहाँ पे आपने शोल्डर के लिए वर्कआउट किया जिम के रूटीन के एकदम तरीके से। और इसके बाद आप अगर एब्स का भी आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली करना ही चाहिए, क्योंकि पूरा बॉडी का लुक तभी रहेगा जब आपका एब्स भी एक लुक में आएगा। तो इसके बाद आप बिगनर्स वाले लेवल का आप एब्स का एक्सरसाइज करिए, वो बिगनर लेवल आपको पूरा 1 month करना है, फिर इंटरमीडिएट पूरा 1 month और फिर एडवांस पूरा 1 month। 3 महीने के लिए आपको एब्स का पूरा टारगेट रखना होगा। जो हमारा अपर बॉडी का चल रहा है, बाकी बॉडी के पार्ट्स का चल रहा है, जो कि आप बिगनर लेवल पे जो बिगनर्स वाला वीडियो था वो आपको मैंने कहा था 10 दिन तक करने के लिए, बिकॉज आप उसमें सारे बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप एक एक बॉडी के लिए पार्ट्स के लिए ट्रेन करते हैं। तो वही सेम चीज़ 10 दिन वाला सीन आपका बिगनर्स लेवल पे एप्स के लिए नहीं जाएगा। एप्स के लिए आपको पूरा 30 days फॉर बिगनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू योर वर्कआउट। तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।